हम घोड़े पे नहीं जाएंगे, हम अपनी टांगों पे जाएंगे। अच्छा हुआ कि मैंने गिव अप नहीं किया, अगर मैं गिव अप कर देती तो मैं ये इतना खूबसूरत व्यू नहीं देख सकती। तो दुआ करिएगा नीचे पहुँचूँ, अगर तो मेरा ये व्लॉग अपलोड हो गया तो समझ जाइएगा मैं नीचे पहुँच गई, अगर ना हुआ ना तो मेरी मगफरत की दुआ कर लीजिएगा। मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा है, मेरे फेफड़े भुरभुर कर रहे हैं। आज उनको हद से ज़्यादा फ्रेश ऑक्सीजन मिल गई है, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। चलो आगे चले। फाइनली मैं अब मुशपुरी टॉप पे आ गई हूँ, टॉप पे। ये ओरियो का फ्लेवर आपने कभी भी नहीं देखा होगा ना टेस्ट किया होगा, क्योंकि ये सिर्फ मिलता है मुशपुरी से। यार मैं ओला पर कर रही हूँ हेला, पर मेरे हाथ में कोई ओला ही नहीं आ रहा। तो अब मेरे ट्रैक स्टार्ट हुए को 2 मिनट हो गए हैं और मुझे तो अभी से ही सांस चढ़ रहा है और ऐसे थकावट थकावट फील हो रही है। मतलब मैं बहुत फोर्स लगा के ऊपर चढ़ रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि सड़क मुझे पीछे को ला रही है। आगे जब हम जाएंगे तो रास्ता कच्चा हो जाएगा और कच्चे रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल है, और ये 2.5 घंटे ऐसे ही चलते रहना है। और 2.5 घंटे बाद देखते हैं मैं वहाँ तक पहुँचती हूँ या नहीं पहुँचती, पहले ही गिव अप कर देती हूँ। तो आज ये मेरे साथ जुड़े रहिए वीडियो में और एंड तक वीडियो को देखिएगा। तो अब तो वाकई देखते हैं, देखे कितनी गहरी गहरी खाई है, अल्लाह ना करे अगर मैं गिर गई तो मेरे तो चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे यहाँ पे। ट्रैक करते हुए हमें 10 मिनट हो गए हैं, सांस चढ़ रहा था, यहाँ से पानी की बॉटल लेने लगे। हाँ तो पानी ले लिया, यहाँ पानी इतना ठंडा है ऐसा लग रहा है फ्रिज का है, और ये जो है ये बिल्कुल भी फ्रेश लाइफ का पानी नहीं है, ये यहाँ का पानी है और बॉयल करके डाला गया है। तो अब मैंने ये स्टिक ले लिया पूरे 100 रुपये की, क्योंकि आगे जो ट्रैक है वो कच्चा है तो इससे चढ़ने में ज़रा आसानी होगी। अब हम जा रहे हैं और यहाँ पे टिकट घर लिखा हुआ है, शायद यहाँ पे टिकट ले रहे हैं, यहाँ से आगे जाने की जो है वो टिकट होती है, तो टिकट ले कर फिर हम यहाँ से आगे रवाना होंगे। आगे ट्रैक करने के लिए हमारे पास एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है, ये वाला 5 किलोमीटर है और ये वाला 2.5 किलोमीटर है, लेकिन ये वाला डेंजरस है तो मैं डेंजरस रास्ता चूज करूँगी। आज हम घोड़े पे नहीं जाएंगे, हम अपनी टांगों पे जाएंगे। यार वो कितना प्यारा एरिया है वो वाला, इसकी शाखें ऐसी हैं जैसे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है, मेरे फेफड़े भुरभुर कर रहे हैं। आज उनको हद से ज़्यादा फ्रेश ऑक्सीजन मिल गई है, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। चलो आगे चले। अब भी हम लोग बैठे हैं, सब कह रहे थे कि सांस ले लेते हैं थोड़ा सा, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं थकी, मैं ट्रैक खुद करूंगी। आप देख रहे हैं लोग हेल्प ले रहे हैं घोड़ों की, लेकिन मैं नहीं ले रही, मैं बिल्कुल नहीं ले रही, मैं ये ट्रैक करूंगी और ख़ुद से करूंगी। मैं बहुत थक गई हूँ, इससे ज़्यादा मैच नहीं चल सकती क्योंकि मेरा सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा है, मेरी टांगों में ऐसा लग रहा है इतनी इतनी तो जान ही निकल गई है, और मेरे फेफड़े तो लगता है शिलिंग होकर मर गए अंदर ही। अच्छा हुआ कि मैंने गिव अप नहीं किया, अगर मैं गिव अप कर देती तो मैं ये इतना खूबसूरत व्यू नहीं देख सकती। बहुत बहुत खूबसूरत व्यू है, शायद आपको पता नहीं इतना क्लियर नज़र आ रहा है या नहीं, लेकिन जब आप क्लियर में आके खुद से देखते हो ना रियल में, फिर आपको एहसास होता है कि ये बहुत खूबसूरत व्यू है। अब यहाँ से दोबारा पथरीला इलाका शुरू हो गया है और यहाँ से फिर से थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो हम जाएंगे। हम मुसलसल पिछले 2 घंटों से ऐसे ही सफ़र कर रहे हैं और अभी आगे भी ऐसे ही करेंगे जब तक हम अपनी मंजिल पे पहुंच नहीं जाते। लोग देखें घोड़ों पे जा रहे हैं,
और मैं पैदल चल रही हूँ। मुझे बड़ा दुख होता है जब कोई भी घोड़े का पाउंड स्लिप होता है ना, तो मेरे दिल से होता है कि अल्लाह ताला इसको चोट ना लगी हो या आपके हिफ्ज़ो ईमान में रहे। अब हम आगे का ट्रैक करेंगे, सिर्फ यहाँ से वहाँ तक का रह गया बस। तो फाइनली मुझे मेरी मंजिल नज़र आ गई। और जब आपको आपकी मंजिल नज़र आ जाए ना, तो आपके लिए जितना मर्ज़ी मुश्किल रास्ता हो वो आसान हो जाता है। तो मुझे इसको देख के बहुत खुशी हो रही है। चलो चलते हैं। अभी तो सिर्फ देखने से इतनी खुशी हो रही है, वहाँ जाने से कितनी खुशी होगी ये तो हमें जाकर ही पता चलेगा ना। चलें। फाइनली मैं अब मुश पूरी टॉप पे आ गई हूँ, टॉप पे। मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी हो रही है। अभी वहाँ पे जाके दोबारा वीडियो बनाऊँगी। आज ये ओरियो का फ्लेवर आपने कभी भी नहीं देखा होगा ना टेस्ट किया होगा, क्योंकि ये सिर्फ मिलता है मुश्कपुरी से। और ये मैं बहुत मज़ेदार और इसको खाने में मुश्कपुरी आई हूँ। बड़ा मज़े का है, खा के देख। फ्रूटी ट्रीट, बहुत मज़े का, बबल गम जैसा फ्लेवर है इसका। फाइनली 3 घंटे के मुसलसल ट्रैक करने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं मुश्कपुरी टॉप पे। और ये नज़ारा इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, ये शायद मैं लफ्ज़ों में बयान भी नहीं कर सकती। और मैंने जन्नत तो नहीं देखी, लेकिन मुझे लगता है कि ये जन्नत के टुकड़े में से ज़रूर है। ये मैं ना तो घर में बना रही हूँ, ना तो बाज़ार में बना रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ मुश्कपुरी टॉप के ऊपर पकौड़े। और ये बनाने के लिए आपको भी मुश्कपुरी टॉप के ऊपर यहीं पर आना पड़ेगा। ये भाई बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, कहते हैं खुद ही पकौड़े बना ले और बाजी मेहरबानी फरमा के खुद ही खा जाइएगा, हमें मत दीजिएगा। और मैं आप सबके लिए इतनी दूर आई हूँ, अब आप सबने मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और नीचे अच्छे अच्छे से कमेंट्स करने हैं। हैं बर्फबारी हो रही है, ओले पड़े हैं, वो फल्ला कोले पड़ रहे हैं, ओहो ओले पड़ रहे हैं। आप इधर रखे, मैं बनाऊंगा। ठीक है यार, मैं ओला पक कर रही हूं पर मेरे हाथ में कोई ओला ही नहीं आ रहा। ये ओला। बिल्कुल हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और साथ ये गर्मा गर्म चाय है, बहुत 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 चकास कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे ये पाकिस्तान का झंडा भी लहरा रहा है। और लेकिन बारिश की वजह से मुझे भी पता चला था कि अब जाने वाला रास्ता और ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा, तो मुझे टेंशन हो रही है कि जाऊंगी कैसे। तो दुआ करिएगा नीचे पहुंचूं। अगर तो मेरा ये व्लॉग अपलोड हो गया तो समझ जाइएगा मैं नीचे पहुंच गई हूँ, अगर ना हुआ ना तो मेरी मगफरत की दुआ कर लीजिएगा।